नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आज राष्ट्रीय ओलमा काउंसलिंग एक अहम मीटिंग आजमगढ़ मुख्यालय जामेतुर रैशाद के लाइब्रेरी के हाल में हुई। राष्ट्रीय ओलमा काउंसलिंग के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना ताहिर मदनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों को मजबूत करने के लिए जिला पंचायत चुनाव के हर सीट पर अलग अलग प्रभारी की नियुक्ति की। राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रसादी ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से एक बूथ पर कम से कम 10 कार्यकर्ताओं बनाने के लिए कहा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा, आने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी पूरे जिले में मजबूती से चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए अभी से प्रत्याशी एवं कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर मजबूती से मेहनत एवं पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता अबू हुरोरा की खास रिपोर्ट।